नमस्कार। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट लेडी। इसके लिए बाउल लेंगे, इसमें साबूदाना डालेंगे, इसे वॉश करके हम 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। 2 घंटे के बाद देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसका सारा पानी निकालेंगे और ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने समा का आटा लिया, अब यहाँ पे समा के चावल भी ले सकते हैं, उन्हें भी 2 घंटे के लिए भिगो दें। फिर इसमें दही डालेंगे और सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो गया है। फिर यहाँ पर हम अपने इडली के मोड़ लेंगे, इसे घी से या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अपने बैटर में हम नमक डालेंगे, करी लीव्स काट के डाल देंगे, इनो शशी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में अच्छे से रोटेट कर लेंगे। हमारा बैटर तैयार है। अब हम इडली के स्टैंड लेंगे, एक एक चम्मच अपने बैटर को डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। सारे के सारे हम अपने इडली स्टैंड में ऐसे करके डाल लेंगे। अब प्रेशर कुकर में हम पानी डालेंगे, उससे पहले उबालेंगे और अपने स्टैंड को रखेंगे। इस पर लिड लगा देंगे और सीटी हटा देंगे। ये देखिए 12 मिनट में ही हमारी इडली बनके तैयार है। ऐसे करके हम अपनी सारी इडलियाँ तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी इडली बनती है। तो इस नवरात्रि आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर रील अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सावरा पेज को सब्सक्राइब करें।